सैयदना दाता गंज बख्श जवेरी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर कई तरह के हमले हुए और हो रहे हैं। हम अंधेरों से लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारे फतावा जिस पर उस वक्त के अकाबरीन ने दस्तखत किए, जिनके जुज़वी असरात के लिहाज से यहाँ बयान भी किया जा रहा था, लेकिन अफसोस ये है कि हम भंगियों चरसियों को दाता दरबार के पापोश के मकाम पर बैठने से रोकते रहे, गलियों से रोकते रहे, लेकिन कुछ चरसी औकाफ का लिबादा ओढ़ के इख्तदार में वहां कर बैठ गए। उन चरसियों ने, और चर्स की किस्में कई हैं, इस मर्तबा आकर सदियों से रायज उर्स गंजे बख्श की तकरीबात उनको हाईजैक किया। यकीनन वो भी यही कहेंगे कि हमने भी तसव्वुफ बयान किया है, हमने भी तरीकत बयान की है, मगर मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। पहले तो जब कोई तसव्वुफ की बात होती है तो कहा जाता है ये कशफुल महजूब में है, ये रिसाला कुशहरिया में है। अब एक तसव्वुफ रिसाला अमरीकिया में है, और ये चर्सी लोग जब बाहर बुलाए जाते हैं तो इनको वो रिसाला अमरीकिया पढ़ाया जाता है। ये सारे यात्रा करने जाते हैं अमेरिका की पेंटें पहन के, जो कि फर्क इनमें थोड़ा ही है, और वहां से वो जो इन्हें पढ़ाता है कि वहां जाके ये कहो ये कहो ये कहो, ये आके वो फिर अमरीकी तसव्वुफ गंज बख्श की अंदाज में बयान करना चाहते हैं। इस मर्तबा जो तसव्वुफ गंज बख्श के नाम से कॉन्फ्रेंस, उसमें जो लोग बुलाए गए उनमें बताओ सिवाय चंद के मुंह किसका था कि वो गंजे बख्श के तालीमात को बयान करे। छड़िए किस्म के फास्क को फाजर लोग, लिबरल और लुटेरे, उनको उलमा मशाइख की जगह बैठाकर अपनी तस्वीरों की शौक पूरे किए गए। ये गुमाश्ता है ताहिर रजा, अमरीकी टाउट है ये। कल मोदी ने जो तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस करके गोल खिलाए थे अमेरिका के कहने पर, उसी अमेरिकी तसव्वुफ का पाकिस्तान में जो मोहरा है उसको ताहिर रजा बुखारी कहा जाता है, और साथ वो गुलामी बेदाम है और इर्द गिर्द का टोला लगा हुआ। हम आज के इज्तिमा में उर्स गंजे बख्श पर, इस साल जो तालीमात गंजे बख्श पर हमला किया इन लोगों ने, उसकी भरपूर मुजम्मत करते हैं। ये लोग मसलक के गंजे बख्श से बेखबर, स्कूल की चार क्लासें पढ़कर आज कोई तशरीह गंजे बख्श लिख रहा है, कोई तशरीह कशफुल महजूब लिख रहा है। आओ किसी में मजाल है तो सामने बैठो। क्या वो रियाज शाह के वो टाउट ग्रुप हो या और किसी के हवारी हो, हमने अल्लाह के फजल से जो अकायदे गंज बख्श सेमिनार करके लोगों की आंखों से पर्दा हटा, अब किसी की तसहील से वो पर्दा डाला नहीं जा सकता। और हम इनके हर लफ्ज का ताकुब करेंगे, हर गली में करेंगे, इन पर जमीन तंग हो जाएगी। ये क्या समझते हैं पेंटे पहन के और सरकारी कुर्सियों पे दो दिन बैठ गए, आखिर तुमने हटना भी है और तुमने मरना भी है। कबर में जो कोड़े पड़ेंगे उससे पहले दुनिया में भी तुम्हें जिल्लत का सामना जरूर करना पड़ेगा। तुम फासिको फाजिर लोगों को, जिनके खिलाफ जिंदगी भर दाता साहब ने जिहाद किया, आज चंद टकों की बस उनको दाता गंज बख्श का मंजूर बना रहे हो कि ये दाता के दरबार में निगाह में मंजूर हो गए। तुम्हारे पास क्या थर्मामीटर है? तुम्हें दाता साहब कब बता गए कि फलां को दाता साहब ने मंजूर किया तो इसलिए आ गया? ये तो तुम्हारा मफादाती कमीशन है अपना खाने पीने का, और ये सरकारी मुल्ला इल्ला माशाल्लाह, वो कैसे सरकार के दीन को पूरा बयान करे? अगर सरकार का दीन बयान करते होते तो आज कम अज कम दाता गंज बख्श में ये करारदाद मंजूर होती। जो नामूस से अहले बैत व सहाब महातुल मोमिनीन रदियल्लाहु तआला अन्हु बिल है, काले जिसका रास्ता रोक के बैठे हुए हैं, अगर कालों के मुकाबले में
गंज बख्शी कुव्वत इनके अंदर होती तो कोई तो उस बिल की नामूस की हिमायत में बोलता। अंदर से ये कालों के मतवाले हैं और जाहिरी तौर पर गंजे बख्शी वाले। हुसैनी तो यजीदों के कसीदे पढ़ नहीं सकता, वो गंज बख्शी तो गामे शाह की गाड़ी चढ़ नहीं सकता। ये मफादाती करो और समझाए कि हम अगर मजारिस खत्म करेंगे तो हमें कोई बोलेगा नहीं, हमें कोई पकड़ेगा नहीं, हम तुम्हारी गर्दन नापेंगे अगर तुम बाज ना आए। हमारे खिलाफ 10 दरखास्तें और दे लो, हम किसी सरकार को जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टकराए उसकी गुलामी के लिए नहीं, बजो सरकार सिर कार आलम सरोकार सरकार नदारा। ये आला हजरत ने फरमाया था, फरमाया सिवाय उस सरकार के जो सिर्रे कार हैं, जो बायसे तखलीके कायनात हैं, उनके सिवा हमारा किसी सरकार से कोई वास्ता नहीं है, कोई सरोकार नहीं। लिहाजा ये अपनी तनख्वाहें हजम करें, औकाफ के पालतू मुल्ला हमारे मसलक को ना छेड़ें, हमारे मजहब को ना छेड़ें। ये तोतों की तरह रटी हुई बातें अमरीकी तसव्वुफ की वो मंसूब दाता साहब की तरफ कर रहे हैं। दाता साहब ने सारी जिंदगी हक को हक कहा, बातिल को बातिल कहा, और कमीनों तुम हक को बातिल से मिला के, बातिल को हक से मिला के मिक्स करके कहते हो कि हम दाता साहब का मनहज अपनाए हुए। तुफ है तुम्हारी सोच पर, तुफ है तुम्हारे ओदों पर। वो मरकज है अहले सुन्नत का, वहां कोई राफजी पिद्दी छोटी हो या बड़ी उसको क्यों प्रोटोकॉल दिया गया? तुम्हारे बाप का आस्ताना है, आले सुन्नत की मर्जी है, जो आले सुन्नत के मैरिज में उतरे वो वहां आए, और अब काले काले कपड़े पहन के वहां जाके भंगियों और चरसों के डेरे लगाना चाहते हैं। कमल इसके कि हालात दिगर गुम हो जाए, हुकूमत कंट्रोल करे ऐसे लोगों पर जो औकाफ में आकर मरकज अहले सुन्नत दाता गंज बख्श अजमेरी को गैरों के आगे गिरवी रख रहे हैं। और कहां सोए पड़े अब आस्तानों वाले, कहां हैं अब वो पीर, क्यों नहीं बोल रहे? ये मौका था कि सारी कौम लाखों की तादाद में आज वोट देती नमूसे सहाबा बिल को, नमूसे अहले बैत बिल को, मगर इन्होंने ना रहे बांस वाला मसला कर दिया। चलो हम पे पाबंदी थी तो कोई और तो बोलता, लेकिन इन्होंने सिर्फ वो रखे जिनके अंदर सरकारी सारा निजाम जो है वो फीड किया गया है। मैं मदरसा हजवेरिया के असातजा शुयूखुल हदीस और तुलबा को भी पैगाम देना चाहता हूं कि अगर इन्होंने दाता का लंगर खिला के तुम्हें बेहमियत बनाया है तो तुम भी तबाह करो। वो इनके बाप का लंगर नहीं, लंगर गंजे बख्श का है। और नई मियां निजामिया अगर इस हिस्से में शेयरिंग कर रहे हैं तो वो भी सोचें कि रागिब नईमी को अगर किसी तोते की तरह वहां चंद मिनट के लिए बिठा दिया गया है तो मर गया है ये बोलता नामूसे सहाबा के बारे में, नामूसे अहले बैत बिल के बारे में, तो खुद ही सीधे हो जाओ। इन्होंने हिस्सा बनाया, आधा हिस्सा ये ले ले, आधा ये ले ले। हमने तो तंजीमुल मदारिस के लिए छोड़ी कि हमें कोई ओहदा ना दिया जाए, लेकिन बंदे के पुत्रों की तरह आ रहा जा। और इन्होंने जो है कमीशन बना रखे हैं, तुम बड़ों के बेटे हो तो बड़ों के मनसब तुम बैठे रहो, लेकिन मनसब की हया भी करो। इस तरह पर करके खाओ पियो कमीशन मत बनाओ। और मुफ्तियान किराम सबकी ये ड्यूटी है वो बोले, अगर फदक के मौजू पर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का दफा करके 4 महीने मैं जेल में कोर्स कर आया हूं तो तुम्हें भी मौत नहीं आ जाएगी। बोलो सिद्दीक अकबर की हिमायत में, जिन कालों को तुम जफियां लगाते हो वो तो पहले भी इस्लामाबाद में भौंकते रहे हैं और यकब रबी रब्बल को फिर भौंकने जाना चाहते हैं। तुम्हारा इल्म कहां है? तुम्हारी फरासत कहां है? हमीयत कहां है? तुम्हारा दीन कहां है?
तुम किस दिन बोल रहे हो? क्या ये बता रहे हो कि बाकी हजरत सिद्दीक अकबर माजल्ला गासिब थे? अगर नहीं थे तो तुम बड़े बड़े मदारिस लेके सिर्फ हाथ चुमाना चाहते हो या नजराना लेना चाहते हो? मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा। मैं हर हर आस्थाने की हाजिरी का क्लिप देखूंगा। जिस जिसने आज नमूसे सहाबा वाले बैत बिल को वोट ना दिया, हम उसकी ऐसी तैसी करेंगे इंशाअल्लाह। तुम बनो नाज़िम आला, तुम बनो सदर, हमें से कोई इससे ताल्लुक नहीं है। तुम बांटो कमीशन, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन हमारे मसलक के लिए तुम मुर्दा क्यों साबित हो रहे हो? कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में, कभी सुने ही नहीं कि वो तकरीर करें, लेकिन बाहर अमेरिका में पता चलता है कि वो हजरत दौरे पर गए हुए। क्या उनको पाकिस्तान में करने वाले को तकरीर नहीं आती? सारी उनकी फसाहत बलागत वाना के अमेरिका में सैर होती है। तो अमेरिका उनको क्या चीज दिखाता है कि फिर वो खतीब बन जाते हैं? और क्या यानी कि फिर गूंगे बन जाते हैं आगे? मैं बहुत से लोगों को बहुत कुछ कह गया हूं और उन्हें अपने रवैये पे नजरसानी करनी चाहिए। मैंने बड़े बड़े फिरौनों से बगावत की, अब तो पीछे छोटे छोटे रह गए। नमूसे आले बैत बिल नमूसे सिहाबा बिल नमूसे उम्मातुल मोमिनीन बिल। ये गैरत है। अगर आज की खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंसों में होम्योपैथिक तकरीरें करके लीडर फारिग हो रहे हैं, तो मैं कल उनकी भी गर्दन की पेमाइश करूंगा। क्या तुम्हारे तकद्दुस बड़े हैं हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला के तकद्दुस से? जो उनको भौंके तुम उनके पास जाके जफियां लगाओ, जो उनको भौंके तुम उनके वीजों पे जाकर इराक ईरान में कॉन्फ्रेंसों में मेहमान बन के वहां के फंड ले आओ। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बलाके हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली।